रवि, डॉक्टर रवि, क्या हो रहा है यस सर भाई? हमारा सबका, दिल्ली वालों का प्लान हो रहा है, मौसम खुल जाए, हालात खुल जाए तो हम सब आपके यहाँ पिकनिक मनाने आएंगे। ठीक है, सही रहेगा? ठीक है सर तो फिर सबकी सब्जी रोटी आपके यहाँ होगी, असली घी के यस साथ। सर घी असली चाहिए, दूध मट्ठा असली यस सर चाहिए, फिर हो गुड़ के जाएगा। साथ। ठीक है, छा होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए, दही होनी चाहिए यस और रोटी सब्जी बढ़िया वाली। बच्चे तैयार हैं बिल्कुल सब, कि हम घूम के आएंगे गाँव। गुड, कब चलो आ जी। रहे हो? यस सर। आय शाबाश, देखो ये बोले साहब साहब, कब आ रहा है बता दो सर, मेरे यहाँ से भी हलवा खिलवाया जाएगा। सर्दी में आएंगे जब गाजर का हलवा चलेगा, सही रहेगा, खुल जाए बेटे, जरा ठीक सा हो जाए मौसम, हालात ठीक हो जाए, अल्लाह करे, फिर आएंगे इंशाल्लाह जरूर बच्चों को लेके। चलो भाई देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन है, ना फिगर गिवन है, नथिंग इज गिवन, तो अब इंफॉर्मेशन ही लेनी है बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या चाहिए, क्या है, कैसे करेंगे। तीन चीजें क्या है, तो सबसे पहले देखो व्हाट इज गिवन हियर। आओ जी सर, क्या कह रहा है भाई ये, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। ओके, अच्छा किस में, ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स। हाँ सर, कुछ समझ में आया क्या कि क्या क्या गिवन है? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो किसकी बात कर रहा है, इन ए रोम्बस। सबसे पहले ये कह रहा है बेटे कि रोम्बस है आपके पास, और ज्योमेट्री पता किसे कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं कि उसने एक वर्ड आपको दिया और आपने उससे वर्ड से एसोसिएटेड सारी चीजें निकाल ली, जो जो भी आप कह सकते हो। अब जैसे ही मैंने कहा ए बी सी डी इज ए रॉम्बस, तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज ए रॉम्बस, बताओ बेटे रॉम्बस होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है रॉम्बस में? बताइए। साइड से अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यस, एडजेसेंट साइड से इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यस। अरे नोमान, नाइन्थ में प्रॉपर्टीज करी थी बेटे, स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, यस सर तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब बच्चे सुन लीजिए इस बात को, रॉम्बस इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पैरेललोग्राम हैज फोर प्रॉपर्टीज। तो ऑटोमेटिकली व्हेन ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो चारों प्रॉपर्टी आ गई। चारों प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट। सालिंग भाई, ऐसे डायगोनल। हैं, तबीयत कैसी है बताइए, रेस्ट किया थोड़ा? वो रेस्ट ही कर रहा था मैं, इसीलिए कहा था मैंने, कहा बीच में अड़बड़ मत करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। ठीक है बेटे, तो जो हम अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल कहते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा ये कह सकते हैं कि इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जब ये पैरेललोग्राम है तो इट हैज सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, वो हमें बतानी है। बताओ क्या होता है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में। अब्दुल कादिर भाई ये बंद कर दो जी। बेटे रोम्बस की दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हैं, कौन बच्चा बताएगा? इट हैज टू एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अदर देन पैरेललोग्राम। For all sides equal. Yes, that is all sides equal. One more. No, Diagonals perpendicular to each other. Very nice. Yes, 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 yes. Good, good, good. That's it. अब अगर आपको इतना पता है, सब बच्चे प्लीज, जब आपके पास बेटे इतनी सारी चीजें हो गई, अब हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि वो तो रॉम्बस कह के चुप हो गया, आपको गिवन के नाम पे कुछ और नहीं दिया है, सिर्फ प्रूव करा रहा है क्वेश्चन में, तो सिर्फ बेटे ये जो येलो पार्ट इट इज गिवन ओनली, बाकी सब तो जो मैं अब मार्क करूंगा दैट इज वी हैव टू प्रूव, ये तो मुझे प्रूव करना है, तो ओनली गिवन पार्ट इज रॉम्बस। सो व्हाट इज रॉम्बस,
अब आपके पास सिक्स प्रॉपर्टीज हो गई, अब इंशाल्लाह हम कर लेंगे इसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या रहा है अब करते हैं गिवन। तो ये चीजें आप सब हर क्वेश्चन में अप्लाई करो अप्रोच, ठीक है, कि मुझे जैसे उसने रोम्बस कहा तो मेरे पास क्या है, गिवन क्या है, एबीसीडी इज ए रोम्बस। ओके, प्रूफ क्या करना है, क्या करना है प्रूफ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है बेटे। तो साइड्स कौन सी हो जाएंगे, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। अब बहुत सारे बच्चे यही प्रॉब्लम, सर हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे, सॉल्यूशन तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। इज इक्वल्स टू, इक्वल क्या दिया हुआ बेटे, इक्वल to the sum of the squares of its diagonals. Very good. 20 question नहीं करने हैं, एक question करना है समझ के, उसकी एक point भी लिखें तो वो मुझे पता होना चाहिए, फिर इंशाल्लाह 20 question खुद कर लेंगे बेटे। Sum of the square of its diagonal. Diagonal क्या हो गया बेटे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। Yes, wonderful, fantastic. ठीक है, अब मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि कहां से स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे स्क्वायर्स चाहिए और इतने सारे स्क्वायर्स हैं, तो ये स्क्वायर्स बेटे साइड्स के मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा कि हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करें, ये स्क्वायर आएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब पाइथागोरस से आएगा तो वी नीड राइट एंगल, तो अगर राइट एंगल चाहिए तो वेयर वी हैव राइट एंगल, सर ट्रायंगल जहां इंटरसेक्ट कर, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट कर, तो सपोज देयर इज अ पॉइंट ओ एंड diagonals bisect each other at 90 degree, ये हमसे कह रहा है। तो अब हमारे पास एक angle 90 हो गया, अब क्योंकि हमारे पास four angle 90 हैं, तो हमें use 90 करना है, तो एक ही को करना है। Now it is your choice, out of four triangles in rhombus, एक को choose कर लो, किसी को भी, जिसको आप choose करना चाहो। अब मैं इसको choose कर रहा हूँ, क्या नाम है इस triangle का, वेरी गुड वेरी गुड। अब सारे को भूल जाओ, क्वेश्चन भूल जाओ, क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे सामने तो जो नजर आ रहा है वो कर जाओ, ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है, बाद में सोचूंगा क्या आना है, क्योंकि हम यही सोचते रहे यार चारों साइडें कहां से आएंगी, डायगनल कहां से आएगा, दिख तो रहा है सिर्फ एक साइड, पूरे पूरे डायगनल भी नहीं आ रहे इस ट्राइंगल में, तो आएगा कहां से, अरे बाद में सोचेंगे, जो आ रहा है वो तो करो। चलो शाबाश करो प्रूफ, किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। इन ट्राइंगल एओबी, या पहले आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी, लिख लेते हैं, इन ए रोम्बस, इन ए रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये मेरे पास हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी, या डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, जो भी आप लिखना चाहो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल एओबी, ठीक है, इफ एंगल एओबी इज 90 डिग्री, तो एबी हमारा क्या हो गया बेटे, हाइपोटेनस। यस सर। तो क्या आप पाइथागोरस पाइथागोरस लगा सकते हो? सॉल्यूशन आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटे कि AO का, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, AO का AC से क्या रिश्ता है, AO का AC से क्या रिश्ता है, डबल का है सर, इसकी हाफ टू OC, मैं बेटे AC से कह रहा हूं, AO एंड AC डबल है, सर AO इज इक्वल्स टू हाफ AC, इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, वंडरफुल। सब बच्चे बताओ यस और नो, यस सर। बेटे AC AC बेटे AC बेटे अगर 20 है तो AO सिर्फ 10 है ना, और अगर BD बेटे 16 है तो BO सिर्फ 8 है, यस और नो, यस सर।
आपने कहा ना बेटे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो 90 तो वही है, बाइसेक्ट भी है, तो यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपने इतना लिख दिया बेटे तो क्वेश्चन इज ओवर ना, कुछ जरूरत ही नहीं बची। क्या लिखना था देखो, मैं लिख रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, हियर एओ हाफ ऑफ एसी, एंड सिमिलरली बीओ को क्या कहोगे बेटे, बीओ और बीडी में क्या रिश्तेदारी है, हाफ ऑफ बीडी। बीओ बेटे, बीओ देख लो ध्यान से, बीओ का ये है बेटे बीओ, और बीडी का है बीडी, ये पूरा है बेटे, ये बीडी, तो इज हाफ ऑफ बीडी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, हाफ ऑफ बीडी, और क्वेश्चन इज ओवर नाउ। बेटे देखो जरा ध्यान से, जहां बीओ है वहां बीडी रख दीजिए, और जहां बेटे एओ है वहां हाफ एसी रख दीजिए, समझ गए, जरा रखो और देखो मुझे बताओ क्या आया। सब बच्चे देखो, सब देखो, जादू हो जाएगा एकदम से। ए बी स्क्वायर, क्वेश्चन ओवर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ का आपने लिखा हाफ एसी, और बेटे बीओ को आपने लिखा हाफ बीडी, ठीक है। बताओ बेटे ए बी स्क्वायर क्या आएगा बेटे, ए सी स्क्वायर बाई फोर है ना, और बी डी स्क्वायर बाई फोर, यस सर नो, सब बच्चे बताओ। यस सर। सलमान है क्लास में? यस सर। चलो फोर एलसीएम ले लें बेटे, फोर क्या ले लें? यस सर, एलसीएम। एलसीएम तो क्या आएगा बेटे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इधर आएगा बेटे ए बी स्क्वायर, और फोर से इधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ए बी स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा बेटे, फोर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया और क्वेश्चन हो गया खत्म। बताओ मुझे चाहिए क्या था, राइट साइड क्या चाहिए था, राइट साइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, हां भाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया राइट साइड, यस और नो? यस सर। और लेफ्ट साइड क्या चाहिए था बेटे, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, और हमारे पास साइड कितने टाइम्स आई है, फोर टाइम्स, तो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, मुबारक हो, ठीक है। क्या करेंगे अब हम यहाँ ये कर सकते हैं, देखो इधर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सब बच्चे बताओ कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। यस सर। सलमान साहब कहाँ हैं आप, हम इतनी सारी आवाज दे रहे हैं आपको, हैं भाई सलमान? सर यहीं पे ही हूँ, सब सुन रहा हूँ। सुन ही तो रहे, बोल तो नहीं रहे, आजकल आप नाराज चल रहे हैं हमारे से। अरे नहीं नहीं सर, अरे नहीं लग रहा है, सही बात है सर, बैकग्राउंड में बड़ा शोर है ना इसलिए माइक ऑन नहीं कर। अच्छा ठीक, थैंक यू, वेरी गुड, समझ में आया बेटे सबको? बहुत अच्छा, शाबाश। चलो जी एक क्वेश्चन और देखो, सबको आ गया ना समझ में, किसी को कोई पॉइंट आपको नहीं आया तो बताओ। हमने बेटे कहां से स्टार्ट किया, हमने सीधा सीधा राइट ट्रायंगल से स्टार्ट किया, राइट ट्रायंगल कौन सा था, AOB, तो हमने लिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट्स इट, पाइथागोरस। और जैसे ही हमने AO को कहा कि हाफ ऑफ AC है, और BO को कहा हाफ ऑफ BD है, तो जो हमें चाहिए था वो आ गया फोर टाइम्स, और फोर टाइम्स अगर है तो साइड्स तो इक्वल है, तो वन वन कर देंगे हम, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया वाला। मैंने आपको चार पांच क्वेश्चन वो एप्लीकेशन वाले कहे थे, सब बच्चों ने करे ट्राई या नहीं करे? यस सर, करे ट्राई में। सबसे हो गए? नहीं हुए सर, 11th क्वेश्चन। चलो देखो अब मैं कर रहा हूँ, नाइन्थ वाला हमने कर लिया था। यस सर। नाइन्थ वाला तो किया था ना, लैडर वाला हमने। चलो टेंथ वाला करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पहले इसको करके खत्म करते हैं, जो आप लोगों को भी लगे कि क्वेश्चन सारे हो गए। देखो सब बच्चे एप्लीकेशन है बेटे पाइथागोरस की, राइट ट्राइंगल बनाओ और सॉल्व कर दो, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटे। आपसे क्या कह रहा है,
ये हमारे पास है गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट वायर विल बी टॉट. हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, ठीक है. वायर जो अटैच है टू ए वर्टिकल पोल इज 24 मीटर लॉन्ग वायर, इट इज 24 मीटर लॉन्ग. ठीक है, हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड, हमारे पास यहां पे इस पे कुछ है, यहां स्टैक है. हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट. तो ये जो आपके पास स्टैक है इसको आप बेस से कितना दूर रखेंगे, वो भी टॉट रहे, बिल्कुल टाइट रहे, स्लैकनेस ना आए, तो ये पूछ रहा है आपसे ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है. बताओ सब बच्चे निकाल सकते हो क्या? यस सर. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है जी, इतना सा आएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी? 576 minus 324 6 4 7 2 5 3 सही है या नहीं? Yes, sir. इतना सा क्वेश्चन था. एक और देखो, आप कह रहे थे 11. An aeroplane leave an airport and fly due north at a speed of 1000 km per hour. अब थोड़ा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, हो क्या रहा है. एक्चुअली जब आपके पास डायरेक्शन हो तो सबसे पहले तो आप डायरेक्शन मैप बना लिया करो. जब हम बात करते हैं मैप की ऑन पेपर तो हम बेटे टॉप पे नॉर्थ लेते हैं, यहाँ डाउन में साउथ लेते हैं, राइट में ईस्ट लेते हैं और वेस्ट लेते हैं. तो ये इस तरह से मैंशन कर लिया करो. अब आपसे जस्ट रफली, एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट, तो हम पहले क्या कह रहे हैं, ये हमारा एयरपोर्ट है. एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, तो आपका एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ फ्लाई कर रहा है. एंड नथिंग इज गिवन, गिवन इज स्पीड, एट द रेट एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट. अब वेस्ट का मैप आपका बना हुआ है, किधर जाएगा भाई? लेफ्ट साइड, ठीक है. ये ड्यू नॉर्थ गया, ड्यू वेस्ट गया, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, एट स्पीड of 1200 किलोमीटर पर आवर. यस, ये हम पास दो चीजें होगी. आपसे कह रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 hours. तो हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास टाइम दिया हुआ, टाइम इज 1.5 hour. तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1.5 hour. तो डिस्टेंस तो ये वाला होगा ना, Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे पास क्या हो गया, O is airport, ON is due north, OW is due west, the distance between is NW or WN whatever. ठीक है मेरे पास. But problem is this, what is ON? तो ON क्या होगा बेटे, ध्यान से देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ. ON is distance, ये तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम अलग से कहीं कैलकुलेट करें. डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी है बेटे नॉर्थ वाले साइड में? 1000 किलोमीटर. और टाइम कितना है बेटे?
वन एंड हाफ को क्या लिखोगे? 3/2 तो 2 से कैंसिल करोगे 500 आएगा 500 into 3 1500 सब बच्चों को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? Yes sir. तो now you have distance 1500 किलोमीटर. क्या आप इस वाले का डिस्टेंस भी निकाल सकते हो? OW? Yes sir. Distance speed into time. Speed कितनी है बेटे? 1200 3/2 1800 आप समझ में आया बच्चे? Yes sir. What is WN? सर निकल जाएगा 1500 square plus 1800 square. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटे? हमने क्या किया? Yes sir. Wonderful. चलो शाबाश. एक और देखो. ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. दो बार एग्जाम में आया है. बच्चों को घुमाता बहुत है. देखो आप लोग कितना घूमते हो या कितना समझते हो. टू पोल्स ऑफ हाइट 6 meter एंड 11 meter स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड. जब भी स्टैंडिंग की बात करेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर. ध्यान रखना बेटे. तो आपके पास टू पोल्स स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन. जब तक वो कह ना दे के झुके हुए हैं लीनिंग हैं, ठीक है, तब तक हम उनको वर्टिकल ही सपोज करते हैं, परपेंडिकुलर. तो दीज आर टू पोल्स ऑफ हाइट 6 meter एंड हाइट 11 meter. यस. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 meter, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 meter. तो सपोज इट इज ए इज बी इज सी इज डी. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप. वी नीड टू फाइंड ए डी. कौन बच्चा बता सकता है क्या करें? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. क्वेश्चन क्लियर है. ए डी बताओ क्या करें? ज्वाइन कर देंगे ए सर. ज्वाइन कर देंगे सी और डी. और सर वो भी 12 मीटर हो जाएगा. किसको ज्वाइन कर दूं? ए को सी. ए से एक लाइन खींचिए. कहां पे? और इधर लग डीसी तक. डीसी तक परपेंडिकुलर. वेरी गुड. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन डीसी थ्रू ए. वेरी गुड. तो यहां हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन ए ई ले लेते हैं, नॉट डी. ऑन सी डी. हाँ भाई सब बच्चे, अगर आपने परपेंडिकुलर लिया है तो ऑलरेडी दीज आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा. दीज डिस्टेंस विल बी सेम. कितना? 12. कितना? 12. और ये आपके पास 6 है बेटे, तो ये वाला भी 6 हो जाएगा. ये कितना है? 6. लेकिन ये टोटल कितना था? 11. हाँ भाई, तो 11 minus 6 वो 5 हो जाएगा. वाओ, वेरी गुड. अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये कितना हो गया? जल्दी बताओ. AD कितना? 3 या 13? सर 13, सॉरी. हाँ यही होता है, देखा, समझदार. 3 आ गया भाई सबको समझ में. तो आपने ए ई डाला परपेंडिकुलर. क्या मेंशन करोगे? आप मेंशन करोगे ए बी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू 6. सो डी ई 11 minus 6 इज 5 एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू 12. सो इन राइट ट्राइंगल ए ई डी AD square is equals to 12 square plus 5 square. 144, 25, 169, 13 square. So AD is 30. हाँ जी, सबको समझ में आया ना applications? हाँ ना बोलो ना. Yes sir. Yes sir. चलो अब देखो जिनसे बच्चे डरते हैं, मजेदार वाले क्वेश्चन करते हैं. 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. पहले तो एक मजाक वाला क्वेश्चन करते हैं, देखें आपको मजाक वाले क्वेश्चन पसंद है या नहीं. बताओ सर, मैथ्स में भी कोई मजाक करता है?
ये देखो एमसीक्यूज तो अब आएंगे आएंगे ना, तो एमसीक्यूज का आपको पूरा अच्छा प्रैक्टिस होनी चाहिए। बताओ भाई टिक द करेक्ट आंसर जस्टिफाई इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी रफ ट्राइंगल बनाया मैंने ऐसे ही, ए बी इज 6√3, ए सी इज 12, बी सी इज 6, द एंगल बी इज, बताओ भाई कौन बताएगा जल्दी से। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। सर 120। माशाल्लाह ज्यादा नहीं हो गया उसे? सर 90। भाई उमर मियां 120 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यस सर। ट्रायंगल में हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, आप सब बच्चों को क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर ढूंढना है। किसका स्क्वायर? लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? AC। 12 का स्क्वायर, फिर अदर स्मॉलर साइड का भी स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 36√3 का स्क्वायर 36 into 3 बेटे, और 6 का स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि छोटे वाले जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर का सम लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, छोटा है या बड़ा है। तो बताओ इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हुआ? सर इक्वल है। अगर इक्वल है तो राइट ट्राइंगल है, अगर छोटा है ठीक है तो एक्यूट ट्राइंगल है, और बड़ा है तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। तो अब इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट। सुन लो पहले पूरी बात सुना करो, स्पीड होनी बहुत अच्छी बात है लेकिन स्पीड पे कंट्रोल होना उससे भी अच्छी बात है ना। दुआ मांगा करो, सुन लो इधर ध्यान से सब बच्चे, दुआ मांगा करो, अल्लाह मर्सिडीज दे दे। क्या दे दे? अरे मांगो ना, मर्सिडीज नहीं चाहिए? अच्छा BMW चाहिए या वो कौन सी लंबोर्गिनी आ रही है वो चाहिए? कोई भी नहीं चाहिए क्या? कौन सी? चलो तो जब भी मांगो उससे मांगो अल्लाह मियां से कि अल्लाह मियां आफियत के साथ देना। मर्सिडीज दे दीजिए, BMW दे दीजिए, हेलीकॉप्टर मांग लीजिए, बट आफियत, आफियत कहते हैं कि उसके साथ सारी फिर सलामती भी आए। वरना होता क्या है, मर्सिडीज आई स्पीड में गाड़ी चलाई और ट्रक के नीचे, किसके नीचे? ट्रक के नीचे। अब ट्रक के नीचे पहुंचे तो गाड़ी भी गई और गाड़ी वाला भी गया। गाड़ी यस सर। आप हेडलाइन सुनिए, दिन में चलाओ गाड़ी, आप हेडलाइन सुनते ही रहते हैं बहुत सारे है ना, कि भाई आज मर्सिडीज, आज BMW, ऐसे ऐसे। मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेटे के साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने इतने शौक से उनको एक प्यारी सी बाइक दिलवाई थी, उस टाइम हिंदुस्तान की सबसे महंगी बाइक थी, वो बाइक भी गई उनके बेटे भी गए, एक्सीडेंट हो गया था, एक्सपायर हो गया। तो इसलिए स्पीड जरूरी है बट विद कंट्रोल। तो आप सब बच्चे स्पेशली मुझे उनसे ज्यादा खतरा होता है जिन्हें नॉलेज है, जो जानते हैं कैसे करना है, बट जल्दी में गलत आंसर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना गलत आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा उससे है जिसको नॉलेज है। ये फलसफा है जिंदगी का, ज्यादा गलत वही होगा जिसे नॉलेज है, आंसर जल्दी से वही करेगा। जिसे नॉलेज नहीं है वो तो हिला हिला के भी कहोगे तब भी बहुत देर में मुंह खोलेगा, तो उससे गलत सही तो बहुत देर में निकलेगा, तो कंट्रोल क्या कीजिए। तो खैर हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये तो हम चेक कर लेंगे बेटे कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड स्क्वायर के सम के इक्वल है, छोटा है बड़ा है, लेकिन हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ये आपको देखना है। कौन सी है? AC। AC तो उसका अपोजिट एंगल होगा बेटा, जो भी कुछ होना है उसी का अपोजिट एंगल एक्यूट होगा, उसी का अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूस होगा, और उसी का अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल हो गया तो AC का अपोजिट एंगल दैट इज बी इज 90 डिग्री। क्योंकि यहां अगर आपसे एंगल ए या सी पूछ ले, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन घुमाते ही आपका आंसर घूम जाएगा।
आपको यही वाला क्वेश्चन दे दे बट आपसे कहते व्हाट इज एंगल बी, प्लीज ध्यान से सुन ली, एंगल ए, और आपको यहां तीन ऑप्शन देके एक ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, समझ रहे हो? तो हम सिर्फ एसी का अपोजिट एंगल के बारे में बता सकते हैं, अदर एंगल के बारे में नहीं बता सकते, तब हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा नन ऑफ दीज। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रखिए। तो एसी का अपोजिट एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो जी एक क्वेश्चन और देखो बढ़िया वाला, ये भी ऐसा ये मजाक कर रहा है, मुश्किल नहीं है, कभी कहो मुश्किल है, ये हम शायद पहले भी कर चुके, ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके इसलिए मजाक कर रहा है, बताइए। और ये वही लास्ट के फोर क्वेश्चन है, फोर या तीन क्वेश्चन है जिनको पूछता है ज्यादातर, 16, 15, 14, these are the 3-4 questions. Yes, 13, 14, 15, 16. तो 16 वाला है ये, तो इनमें से 90% मैंने आपसे कहा है, 90% chances इन चार क्वेश्चन में से आने से हैं, 10% पूरा चैप्टर। बताओ भाई ये हमारे पास है, सब बच्चे जरा ध्यान से देखते हैं कितना मुश्किल है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगेन देर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसलिए जब भी दुआ करो बेटे किसी भी चीज की उसके साथ आफियत जरूर मांगा करो, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मुझे ये दे दे, या मांगो भी तो ए अल्लाह मैं ये मांग रहा हूँ और इसको मेरे लिए अच्छा कर दे। सब बच्चे ऊपर वाले से जब दुआ किया करो तो उसकी अच्छाई मांगा करो, उस चीज की अच्छाई, क्योंकि चीज तो मांग लेते हैं, उस चीज की अच्छाई नहीं मांगो। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, गिवन Equilateral triangle ABC. Prove that, क्या प्रूफ करना है? Three times the square of one side. Three times a square of one side is equal to four times the square of one of its altitude. अब इसमें altitude दिया नहीं है तो हम अपनी तरफ से draw कर लेते हैं, altitude मतलब height. तो यहां पे हम इनइक्विलेटरल ट्राइंगल ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये हमें गिवन है और हमसे कह रहा है थ्री टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू फोर टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये हमें शो करना। सब बच्चे बताइए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है गुड, आओ जी सर। अब हमने क्या करा है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब गिवन है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो फिर हमारे पास राइट ट्राइंगल गिवन है, राइट ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मालूम है? अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? बोलो। वंडरफुल, वेरी गुड। अब मैं इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक लाइन लिख रहा हूँ, वो आपको बहुत काम देगी। मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रूफ लिख रहा हूँ यहाँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों इक्वल है और हम इसको इनको क्या कह रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि ये ए के इक्वल है। सपोज कर लिया हमने कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल and they are equals to a, ठीक है। अगर ये a है तो कोई बच्चा मुझे बताएगा bd कितना रह जाएगा? half of a, half of a, wonderful, a by 2, ठीक है, perpendicular bisect the base। मैंने तीन चार लाइन बचा ली ये a सपोज करके, क्यों? क्योंकि आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, ए बी डी ट्राइंगल ले लो बेटे, बस इन राइट ट्राइंगल ए बी डी अप्लाई पाइथागोरस, क्या होगा बेटे? पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यस और नो? येलो वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यस और नो? यस सर। यस सर। ए बी को, ए बी को हमने क्या सपोज किया है, ए, और बी डी को हमने क्या सपोज किया है, हाफ ए बाय टू, ए बाय टू,
और बस हमारे पास बचेगा ए डी, कहानी खत्म। रखो जरा, ए बी इज माई ए, ए डी इज ए डी एंड बी डी इज ए बाई टू स्क्वायर। चलो ए बाई टू स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। यस और नो? फोर वन जा फोर, माइनस वन थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। फोर को इधर लेके आओ, फोर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर सर हो गया। ए की जगह क्या रख सकते हैं? ए बी, ए बी, ए बी, बी सी। यस और नो, जो भी चाहे रख लो। बहुत मुश्किल था ना? दो सर। अबे फोर मार्क्स का क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में, बोलो बहुत मुश्किल? नो सर, नो सर। देखो इसे ही क्या कह रहा है, मैं फिर आपको कुछ अच्छा सा दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अच्छा सा जो आपका दिल खुश हो जाए। हाँ जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया? ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या है ये? बीपीटी, बीपीटी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर क्या नजर आ रहा है? 37। आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट वाला सेक्शन डी सेक्शन 4 मार्क्स का होता है। 37th question is from D section for 4 marks. 40 में से MCQ कितने होते हैं? Last वाले section की बात हो रही है सलमान साहब। 37th section last का होता है 4 marks के लिए। कितने marks के लिए? 4. तो it is for 4 marks question. ये था आपका board paper में। आता है ना सबको? Yes, yes sir. Yes sir. Good. चलो जी एक चीज और दिखाते हैं आपको। ये 2019 का था पेपर, 20 का, इस साल बोर्ड में आया था ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये प्रूफ करने से रह गया है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये बीपीटी थी 2020 में आई थी और ये है आपका पाइथागोरस, ये 2019 में आया था और इसका प्रूफ रह रहा है, अभी हमने किया नहीं था। प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। ठीक है भाई, चलो ये सामने आ गया तो ये भी हम प्रूफ कर ही लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सब बच्चे ध्यान से, लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कि सपोज करो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। प्लीज ध्यान से सब बच्चे, बहुत छोटा सा है बेटे, बहुत इजी सा थ्योरम है। ये आपके पास राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये एंगल है 90।
ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो अब मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, जब राइट ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट एबी। हाँ भाई, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, पहली बात तो ये राइट ट्राइंगल है, दूसरी बात एंगल एबीसी 90 डिग्री, ये भी ले जाओ बेटे, ये 90 डिग्री है और इस 90 से आपने परपेंडिकुलर डाला है। तो मैंने आपसे कहा था राइट ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो आपस में सिमिलर बनते हैं, यस और नो? जी सर। और बड़े वाले के भी सिमिलर होते हैं, है ना? यस सर। तो देखो अब जरा ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हमारे पास क्या है, गिवन ये है कि एंगल एबीसी इज 90, मतलब इट इज राइट ट्राइंगल, ये सिर्फ गिवन है, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमें ये पाइथागोरस प्रूफ करना है, ठीक है? और हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है इसमें कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, हमने एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AC, तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर क्यों कर रहे हैं वो सुन लीजिए भाई, आप सब बच्चे इधर देखो, मुझे AB स्क्वायर चाहिए, सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा जाग जाइए, थ्योरम आ गई बीच में तो मैंने कहा चलो इसे करा ही देता हूँ, शायद हो सकता है एक बार और कराऊं, लेकिन फिर भी ध्यान से समझ लो, AB स्क्वायर चाहिए, तो AB स्क्वायर का मतलब ये है बेटे कि मुझे जो AB साइड है वो टू टाइम यूज करना है, कितने टाइम? टू टाइम। अब AB टू टाइम कैसे कर सकता हूँ? AB टू टाइम ऐसे कर सकता हूँ कि एक तो छोटे वाले ट्राइंगल में यूज कर सकता हूँ और एक मैं इसको बड़े वाले ट्राइंगल में यूज कर सकता हूँ, कुछ समझ में आया क्या रीजन? Yes, sir. आप छोटे वाले और बड़े वाले का क्या मतलब है? छोटे वाले और बड़े वाले का मतलब ये है कि छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े के सिमिलर कर दो, और वो तो जब हम राइट ट्राइंगल में राइट परपेंडिकुलर राइट एंगल से परपेंडिकुलर डालते हैं तो सिमिलर अपने आप हो जाता है, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर अपने आप हो जाता है, क्यों हो जाता है उसकी कहानी समझ लीजिए, उसमें तो बहुत ही ईजी है, क्या ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है? Yes, sir. ब्लू में भी है और ग्रीन में भी है, और ब्लू वाले में ये एंगल कितना है भाई? 90. और ग्रीन वाले में ये एंगल कितना है? 90. तो दो एंगल इक्वल ट्राइंगल सिमिलर, तो हमें तो नाम लिखना है क्योंकि हम प्रॉपर्टी लिख चुके, इन राइट ट्राइंगल फ्रॉम द राइट वर्टेक्स परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, सो ट्राइंगल ए डी बी will be similar triangle ABC, सिर्फ नाम लिखने के लिए आपको एंगल बताया है, नाम लिखने का क्या मतलब कि एंगल ए, एंगल ए कॉमन है बेटे, इसमें D 90 है और इसमें B 90 है, yes or no? Yes sir. अब अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो ध्यान से देख लीजिए, मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर कहाँ से आएगा? दो बार ए बी यूज करने की कोशिश करो, तो यहाँ ए बी ए सी के साथ आएगा, सो ए बी अपॉन ए सी, फिर AB लो, AB फर्स्ट टू से आएगा तो यहां से भी फर्स्ट टू, AD अपॉन AB, यस और नो? यस सर। तो जरा AB इनटू AB करना क्या होगा भाई? AB स्क्वायर AB स्क्वायर टू ACAD AC इनटू AD, वंडरफुल, ये हमारे पास वन आ गया, हम इसको यही बॉक्स बना लेते हैं, इसका इधर भी बॉक्स बना लेते हैं, जरा ध्यान से देखो इधर, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे AB स्क्वायर तो आ गया, अब मुझे चाहिए BC स्क्वायर, क्या चाहिए भाई? BC, जरा देखना इधर बेटे, ट्राइंगल में मुझे BC टू टाइम चाहिए, तो BC टू टाइम क्या होगा, एक तो ग्रीन वाले में आई रही BC, एक BC यहां लेंगे, एक BC हम यहां लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, ठीक है? तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल C दोनों में है या नहीं है? यस सर रहेगा, और छोटे वाले में ये कितना है बेटे, इधर वाला 90 degree, छोटे वाले में ये 90 है और ये बड़े वाला कितना है? 90. क्या मैं ये लिख सकता हूँ, also triangle CDB, छोटा वाला triangle,
similar to CBA? Yes or no? Yes, sir. CDB similar to CBA. CC common, D90, B90. अच्छा, अब मुझे चाहिए BC. जरा बताओ BC कहाँ से आ रहा है? First and last से आएगा, तो BC upon AC. और फिर BC कहाँ से आएगा? यहाँ first two से. तो इधर first two. CD upon BC. फिर BC into BC करो. तो BC square is equals to AC into CD. Yes or no? Yes, भाई सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. तो अगर आप देखो बेटे, आपके पास AB square भी आ गया और BC square भी आ गया. अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है. क्या करना है? प्लस. ये है मेरे पास AB square और ये मेरे पास है BC square और इन दोनों को प्लस कर दो. 1 + 2. कहानी खत्म. मुबारकबाद. Congratulations. AB square plus BC square is equals to, यहाँ से लो बेटे ये AC into AD plus, और यहाँ से लो ये AC into CD. AC common. क्या common? AC. क्या बचेगा? AD plus CD. जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा AD plus CD क्या होगा? AC. ये AD AC. है और ये CD है. AC. सर AC हो जाएगा. AC. तो बेटे ये हो जाएगा AC into AC. AC into AC. AC square. AC square. बताओ भाई क्या चाहिए था? क्या चाहिए था सर? सर हो गया. हो गया नहीं? Yes sir. तो ये था सर हमारा पाइथागोरस थ्योरम और ये हमारे थे क्वेश्चंस. दो क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. Yes, मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी. एक बार 100 ला के दिखाइए. कितनी? Sure, sir. 100. हाँ भाई कितने लाने हैं? 100. आज 24 सितंबर 2020, 2020 जो है ये सबसे खतरनाक ईयर है जिसको जिंदगी में कोई याद रखना नहीं चाहेगा. लेकिन अगर गलती से आपके 100 आ गए तो इंशाल्लाह जब 100 साल के हो जाओगे और आपके छोटे आपके सामने बैठे हुआ करेंगे तो आप बहुत शौक से पता है हमारे कितने नंबर आए थे, हैं? तुम पढ़ते नहीं हो और हमारे 100 आए थे, ऐसे कहा करोगे बच्चों को? गलती से भी अगर आ गए तो सोचो. तो गलती से आएंगे, मेहनत से आएंगे? मेहनत से. जानबूझ कर आएंगे. जानबूझ के. अच्छा ठीक है इंशाल्लाह. चलो ऑल द बेस्ट. अल्लाह ताला आफियत करे. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सर. अस्सलाम जी बेटा जी.